Welcome to Art Lecture. My name is Rohini Babu. Today we will see object drawing coloring. Fair object drawing coloring with oil pastel. ये जो पॉट हमने स्टार्ट किया है उसे हमें ब्लू कलर देना है, इसलिए मैंने ब्लू कलर का डार्क शेड पर्शियन ब्लू लिया है। फर्स्ट आउटलाइन करके लेना है क्योंकि ये कलर जो है ब्रॉड है, फिनिशिंग यहाँ अच्छे से आना चाहिए, लाइन के बाहर कलर नहीं जाने चाहिए, इसीलिए फर्स्ट आप आउटलाइन कर सकते हैं। उसके बाद डार्क से हमने स्टार्ट किया है। ये जो यहाँ पे पॉट है इसे हमने तीन शेड दिए हैं, लाइट, मिडल, डार्क। हमें पॉट या ऑब्जेक्ट में यही देखना है कि तीन शेड लाइट, मिडल, डार्क, जैसे तीनों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं ये साइड से हमें लाइट शेड दिखाना है और यहाँ से डार्क। शेड एंड लाइट हमें यहाँ पे दिखाना है। ऑब्जेक्ट सामने रख के आप कलर करेंगे तो भी और अच्छा है, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे डार्क शेड आया है, कहाँ लाइट है, यह आप देख के कलर कर सकते। सेकेंड टोन यहाँ मिडल जो है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। आप इस तरह से स्ट्रोक भी दे सकते हैं। ये कलर होने के बाद एक पॉट मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें स्लिपिंग स्ट्रोक्स का जैसे ही दिया है, जैसे पॉट है वैसे ही स्ट्रोक आप दे सकते हैं। पॉट का शेप जैसे हो वैसे आप कर सकते हैं। फिनिशिंग पे ध्यान देना है, आउटलाइन के लाइन के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए। ऑयल पेस्टल का काम थोड़ा संभाल के ही करना है। यहाँ लाइट शेड में यूज किया, लाइट कलर, लाइट ब्लू। ये पेपर का थोड़ा व्हाइट मैंने यहाँ पे ले छोड़ा है, उसमें अब थोड़ा सा लाइट ब्लू करके उसके ऊपर से व्हाइट का काम कर सकते हैं। व्हाइट कलर किसी और कलर से अगर हुआ है तो पहले ये इस तरह से कर लो कपड़े के ऊपर, दूसरा कलर नहीं लेना चाहिए।
यहाँ पे तीन कलर आपको दिख रहे हैं, लाइट, मिडल, डार्क, और ये ऊपर से जो है वो थोड़ा हाईलाइट का काम किया है। हाईलाइट सबसे लास्ट में करते हैं। तीनों अच्छे से मिक्स कर लें। और डार्क शेड के लिए अंदर के पार्ट के लिए, जहाँ यहाँ डार्क है तो ये ऑपोजिट साइड डार्क आएगा, यहाँ से लाइट है तो यहाँ लाइट आएगा, जैसे ये पॉट में मैंने दिया है। और अगर ये पार्ट आपको और लाइट दिखाना है तो उसका ही और एक लाइट शेड आप दे सकते हैं। यहाँ का लाइट यहाँ ऑपोजिट आएगा, यहाँ का डार्क यहाँ ऑपोजिट आएगा। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप पीछे के पार्ट से भी काम कर सकते हैं। यहाँ मैं लाइट का काम कर, फिर मिडल टोन, ये भी डार्क। तीनों शेड देने के बाद एक दूसरे के अंदर मिक्स होने चाहिए, पैच नहीं लगना चाहिए, तीन अलग अलग पार्ट नहीं लगने चाहिए, तीनों मिक्स होने चाहिए एक दूसरे के। Thank you.
पार्ट आप व्हाइट कलर से लास्ट में कर सकते हैं। फिनिशिंग पे जाना स्मूथ के लिए आप फिंगर से भी कर सकते हैं, थोड़ा स्मूथ इफेक्ट आएगा। ये ब्लू का पार्ट का काम हमारा हो चुका है। शैडो के लिए कभी भी डायरेक्ट ब्लैक कलर से नहीं करना है, ग्रे कलर से आप कर सकते हैं या पेंसिल से कर सकते हैं, ग्रे कलर से भी आप कर सकते हैं। शैडो डार्क साइड जहाँ पे हमने दिए है वहां से ये साइड से शैडो है, इसलिए यहाँ पे हमें ये हुआ पॉट, ब्लू कलर का पॉट। यहाँ हमने पहले डार्क शेड लिया था पर्शन ब्लू, फिर मिडल, फिर लाइट, और हाईलाइट के लिए आप व्हाइट पैच या व्हाइट कलर से टोन कर सकते दिखा सकते। ये हम कप येलो कलर के शेड से हम करेंगे। कप के लिए हम ये तीन शेड लेंगे, लाइट, मिडल, डार्क। लाइट येलो, लेमन येलो एंड मीडियम येलो। पॉट का काम फिनिशिंग एक बार देखना कहाँ पे पैचेस रह गए, मिक्स करना है। तीन शेड सिर्फ हमें देखना है, आपको जो ऑब्जेक्ट का कलरिंग करना है वो सामने रखे भी आप कलर देख के कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एकदम नजदीक नहीं रखना है, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है अच्छे से, कहाँ से लाइट आ रहा है, फिर मिडल शेड कहाँ पे और डार्क शेड कहाँ पे, ये आपको देख के कलरिंग करना है।